रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारी स्पीकर गेस्ट हैं उम्मे जैसिम उम्मे जैसिम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान का बेहतरीन काम कर रही हैं और ये फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाएं और बहुत बरकतों से नवाजें आज की मजे की बात ये भी है कि उम्मे जैसिम मेरी स्टूडेंट भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आयशा ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मे जैसम को वेलकम करते हैं अहलम वसहलम मरहबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जैसा खैरन कसरा मैम इट्स माई अपॉर्चुनिटी के मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो हूँ एक छोटा सा मैसेज जो है वो भी इस मुबारक महीने में जो है मुस्लिम क्वींस तक पहुंचा रही हूँ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अलहमद रबीआलमी ओके तो मैम कैन आई स्टार्ट ना क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं जी मैम अच्छा बिस्मिल्लाह रहीम तो जैसे कि आप सबको पता है आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ कैन यू कंट्रोल योर पास योर योर फ्यूचर यानी आजकल के दौर में अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस प्रॉब्लम टू एवरीबडी स्पेशली विद द यूथ के हम लोग एक इतने फास्ट एंड फ्यूरियस टाइम में रह रहे हैं कि हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर हम लोगों के लिए एक टेंशन और एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुका है और हर कोई जो है इसको कंट्रोल करना चाहता है और मजे की बात ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंट्रोल अल्लाह अल्ला ने हमें दिया है बट द क्वेश्चन अराइज हेयर इज के हाउ इज इट पॉसिबल एन यही नहीं कौन कैसे हम लोग अपने पास प्रेजेंट और फ्यूचर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो द थिंग हेयर इज कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि यार हमें ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी यानी हम लोग अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कभी कोई सेशन भी रन करते हैं ना तो उसके बाद में अगर आप डांस के लिए लोगों को बोलते हैं तो सवाल क्या आते हैं कि मुझे डिप्रेशन है मुझे एनजाइटी यानी टॉपिक से हट के इरेलीवेंट ये वो यानी इंसान इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ इस वक्त कि अगर आप यानी कुछ भी बात कर रहे हैं ना तो वो बंदा डिप्रेशन में इस कदर स्टक है कि उसको कुछ भी नजर नहीं आता उसको बस जहाँ पे बोलने का मौका मिलता है ना तो वो ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा

इज इट पॉसिबल हम लोग समझते हैं कि मतलब बस अब खत्म बस जिंदगी बस मौत का इंतजार हो रहा है ये वो डिसअपॉइंटमेंट इवन दो अल्लाह ने फरमाया कि मायूसी कुफर है जर्नली अगर हम कुफर की बात करें और हमला सब तथा नाउजिल्ला किसी को शरीक ठहरा है तो हम बीइंग अ मुस्लिम मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ बट ऑन द अदर हैंड जब अल्लाह स यह फरमाया है कि मायूसी कुफर है एंड एवरीबडी लाइक नाइनटी में से आप चैलेंजिंग सिचुएशन uh, uh, और इन द एंड होता क्या है हम लोग हम लोग बोलते हैं कि हम अल्लाह पर तोल करते हैं एंड एंड ऑन एस्ट एवरीबडी डे हम लोग बोलते हैं लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि तो वक्ल होता किस तरह से सो लेट्स लर्न इट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल अगर अल्लाह व तआला ने इबादत को पसंद फरमाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल और यानी हर चीज़ जिंदगी छोड़ दें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दें अपने फराइज को छोड़ दें और बस एक ही चीज़ में लग जाए इबादत में इबादत सिर्फ नमाज नहीं है इबादत सिर्फ रोज़ा नहीं है अल्लाह व तआला के हर हुक्म को मानना इस काइंड ऑफ इबादत और इंशाल्लाह जिस वेपन की आज हम लोग बात करने वाले हैं ना इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दैट अल्लाह व तआला हैज गिवन अस द मुस्लिम मुस्लिम इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग लेकिन हम लोगों को रियलाइजेशन नहीं है इस चीज की no all, अगर अल्लाह स आपको पैदा किया है और दुनिया में भेजा है तो ऑफकोर्स अल्लाह सता होगा कि आपके क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वैल्यू यूर सेल्फ अपने आप को वैल्यू दें और अपने आपको बताएं कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं इस सिचुएशन से निकलूँ मैं डिजर्व नहीं करती हूँ कि मैं हर वक्त डिप्रेशन एंजाइटी और इन सब चीजों में बैठी रहूँ और सोचती रहूँ और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करती रहूँ फाइट फॉर योर हैप्पीनेस अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ता है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड फॉर फाइट वट यू नीड यू नीड अ वेपन एक हथियार की जरूरत होती है आपको कवर करेंगे वेरी ब्यूटीफुल्सान तला के बहुत ही प्यारे लोग हैं बिक है. जो टेस्ट और चैलेंजेस उनको आगे ना हमारे चैलेंजेस उनके आगे कुछ भी नहीं है मजे की बात यह है कि वो अल्लाह तेवर तरीन लोग हैं और उन्ही को सबसे ज्यादा चैलेंजेस है तो जिस वेपन को आज मैं आप लोगों को यूज करना सिखाऊंगी इन पहले देखते हैं कि उसको के प्रोफिट्स ने कैसे यूज़ किया। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम हजरत इब्राहिम के बारे में जो है उनके ऊपर भी बरकत और अहमद नाजर करने की दुआ जो है वो भेजते हैं बट वी इवन नो कि हजरत इब्राहिम कौन थे और उनके उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए थे The weapon we are going to talk about today is the weapon of Yunus. Alayhi salam. The weapon we are going to talk about today is the weapon of Zakaria. These people were the messengers of Allah, the most favorite people of Allah. Yani, wo अल्लाह ताला चाहते तो उनको दुनिया जहान की नेमते देके कहते कि मेरा मैसेज पहुंचाओ तो मैं बादशाह देता हूं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं तुम्हें मैं सब कुछ देता हूँ ये सब कुछ लोड दुनिया में जो, मेरा, मेरा जो है मैसेज लोगों तक पहुंचाओ लेकिन ने ऐसा नहीं किया एंड लास्ट बट नॉट दीस्ट अल्लाह के द मोस्ट बिलोव प्रॉफिट एंड प्रॉफिट द वेपन ऑफ मोहम्मद अब आप, आपने अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लिए लड़ना है किस तरह से लड़ना है सी तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट इब्राहिम की हजरत इब्राहिम की जिंदगी में क्या चैलेंज आया था हजर इब्राहिम इस्लाम, जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपने वालिद को दावत दी एंड अब आपने इमेजिन करना अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर ठीक है कि आपको अल्लाह तक की तरफ से हिदायत मिली है एंड यू हैव टू गाइड योर पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स आर द मोस्ट लवेबल पीपल इन दर्ल्ड जिनसे हम सबसे ज्यादा मुहबत करते हैं ठीक है और आपके वालद आपको कहते हैं कि ये तुम क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो पागलों वाली बातें कर रहे हो ये क्या है तुम मतलब हमें बुतों से जो हमारे अबाव और इबादत करते थे उनसे रोक रहे हो उनसे मना कर रहे हो एक दफा हो गया दो दफा हो गया चलो माँ बाप कहते हैं चलो वक्त ही बुखार चढ़वा उतर जाएगा लेकिन उनके वालिद नहीं माने और उन्होंने बोला कि अगर तुम बाज नहीं आए यानी इब्राहिम इब्राहिम को बोला कि अगर तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा फिर एक दिन क्या हुआ कि एक फेस्टिवल होता है पूरी जो वहां की कम्युनिटी होती है वो उस फेस्टिवल में जाती है इब्राहिम आलिम जाते हैं और बुतों को तोड़ देते हैं जब वो वापस आते हैं और अपने बुतों को देखते हैं तो उनके बुत टूटे हुए और गिरे हुए पड़े होते हैं तो एक बुत उनमें से सही होता है तो लोग आके पूछते हैं ये किसने किया तो आज इब्राहिम आल इसम ने बोला कि ये जो आपका बुत है जिसको आप पूजा करते हैं इसी से पूछ लो किसने किसने तोड़े सब अगर ये बोल सकता है अगर ये आपको बता सकता है जो जो अपने लिए नहीं बोल सकता आप उसकी पूजा करते हो आप उसको माबूद नाउ जबिला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत लाइक like, आप सोचें एक तरफ आपके पूरे मोहल्ले वाले लाइक वेरी स्मॉल एग्जांपल लाइक एक तरफ आपके पूरे मोहल्ले वाले हैं और आपके पास एक चैलेंज हो कि आपने इन सबको जो है वो मनवानी है अपनी बात इट्स गोना बी द ग्रेटेस्ट चैलेंज एंजाइटी का क्या लेवल होगा एक लाइक uh, स्वेटिंग like, हो रही होगी और एक अंदर से एक जो एक uh, वो होते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लो हो रहा होता है सोचे जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक क्राउड है और आपने इतनी बड़ी हरकत कर दी उनके घरों में जाकर उनकी चीजें तोड़ दी हैं एंड नाउ यू हैव टू आंसर सो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि बस अब होगी है बहुत जब उनको पता ऑफ कोर्स उनको पता था कि हजरत इब्राहिम इस्लाम ने ही किया है क्योंकि वो अपना मैसेज देना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा कि बस अब खत्म दैट सेट उन्होंने क्या किया कि आग दहकाई आग लाइक like, सब तैयार है आप सोचे आप अकेले यू आर ऑल अलोन और आग देख पाए गई और इवन दो योर फैमिली इज विद देम कैन यू गाइस इमेजिन उस वक्त आपकी शिवरिंग का आपकी गोस पंप का क्या आलम होगा तो यहाँ पे सही बुखारी की हदीस में कोट करती हूँ कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया देन हजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड दैट वेपन द वेपन ऑफ द बिलीवर व्हिच इज दुआ उन्होंने कुछ नहीं किया हाथ पाओ नहीं मारे उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की उन्होंने डंडे उठा के मारना नहीं शुरू कर दिया उनके दिल में जो एक यकीन था कि वो रब जो ऊपर है जिसने मुझे पैदा किया है जिसने मुझे इस चैलेंज में डाला है ही इज विद मी सबसे पहली बात क्योंकि ये जो वेपन है ना दुआ ये मोमिन का वेपन है मुस्लिम का वेपन नहीं है मोमिन कौन है जो ईमान लाता है और ईमान क्या है कि मैं जिससे दुआ कर वो सुनता है अब आपने दुआ मांगनी है क्या करना है कैसे करना है खली वली इट्स नॉट योर टेंशन ये अल्लाह तआला को पता है तो लेट मी माय अहदीस जब जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो आखिरी कलमा जो आपकी जबान मुबारक से निकला वो अल्लाह तहस वकील यानी इसका मतलब था कि मेरी मदद के लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है वो भागे नहीं वो डिप्रेशन में नहीं गए वो एनजायटी में नहीं गए हिजसल अल्लाह और उनको पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अल्लाह के कहने पर कर रहा हूँ एंड ही विल सेव मी दिस इज हाउ हजर इब्राहिम यूज दुआ और आप यकीन करें उस आग में जब हजरत इब्राहिम को डाला गया तो सिर्फ क्या जला अलैहिस्सलाम की चेन्स जिनके साथ उनको बांधा हुआ था और वो आग ठंडी पड़ गई कैन यू क्या आप इमेजिन कर सकते हो तो आप दिल के यकीन से एक दुआ मांगो और वो फौरन पूरी हो जाए दिस इज हाउ हजरत इब्राहिम कंट्रोल्ड हिज प्रेजेंट आपके प्रेजेंट में कोई भी मुश्किल आ रही है आपको कोई भी और आप यकीन करें एक तो सुन रहे हैं। उसके ने स्पेशल टाइम्स यानी कब कब तुम अगर दुआ मांगोगे तो फॉर श्योर आई एम लिस्निंग यहाँ पे टाइम्स नोट कर लीजिए कदर की रात यानी चले ये तो रात साल में आती है रमजान के महीने में ठीक है उसके बाद एवरी डेमान आखिरी पर वो वक्त कौन सा होता है अजान और अकामत के दरम्यान का वक्त अल्लाह कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं कबूल करता हूँ तुम्हारी दुआ जस्ट मे का दुआ लेकिन ईमान होगा दिल में तो वक्ल होगा तभी तो हम इन्जाइटी और डिप्रेशन में जाने के बजाय से मांगेंगे इसके अलावा देर आर था ने श्योरिटी दी है कि इस टाइम दुआ करो आई विल एक्सेप्ट एंड दैट इज द टाइम ऑफ बारिश का वक्त जुम्मे के दिन असर से असर के टाइम की आखिरी जो घड़ी है वो वक्त लाइक like आप ये नोट करते जाए ये ये आपने इस हथियार को इस तरह से यूज करना है दुआ is with you. जब से आप पैदा हुए और जब तक आप मरेंगे तब तक ये वेपन आपके पास है आपने इसको तो यूज कैसे करना जुम्मा के दिन असर के आखिरी वक्त की घड़ी सजदे की हालत में बहुत सारे लोग कहते हैं सजदे में कैसे दुआ करें जब आप सजदा करते हैं दिल में आपकी दुआ होती है कौन देख रहा है अल्लाह ताला से मांग ले बोल ले जो भी बोलना बोलते रहे दुआ कबूल होती है लेकिन ईमान है तो दुआ कबूल होगी अब आप दुआ मांगे कि भाई इस टाइम दुआ कबूल होती है लेकिन दिल में शक है पता नहीं होती है कि नहीं होती है तो फिर ऑनिस्टली ये वेपन आपको यूज करना ही नहीं आया उसके बाद सजदे की हालत में आखिरी तशद में जब हम अतियात पढ़ के फारक हो जाते हैं हम अ, सलाम फेरने वाले होते हैं उस वक्त दुआ करें और उस वक्त एक दुआ खास तौर पे मांगनी चाहिए जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा फितना मसीह दज्जाल का और ये रसूल येर सिस्टम से साबित भी है ओके इसके बाद योम अरफा यानी नौ दिलाजा को उसके बाद जिक्र की महफिलों में यानी जहां पर सामान तिक्र और का दुआ सफर की हालत में अगर आप इफ यू आर काबा शरीफ में दाखिल आखिरी हिस्से में और हर घड़ी रात की अगर आप सोते हुए उठ जाते हैं जस्ट में दुआ फर्ज नमाजों के बाद जस्ट में दुआ अब पीते वक्त जस्ट मेक दुआ रात को अगर आपकी आंख खुले जस्ट मेक दुआ मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में जस्ट मेक इट रोजा करते हुए

जो दुआ मुझे मिलती है मैं तआला से मांग लेती हूँ अंबिया की दुआएं अपनी अपनी आगे नस्लों की दुआएं अपने पिछले गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ मांग लें से लाइक देर आर जस्ट फिफ्टीन डेज लेफ्ट एंड ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने पूरे साल की दुआएं मांग लें अपनी पूरी जिंदगी की दुआएं मांग लें जिंदगी के बाद की जिंदगी यानी जन्नत की दुआएं मांग लें यकीन करें ये कबूलियत का वक्त है अल्लाह कह रहे हैं ना अल्लाहसान तला तो नहीं झूठ बोल सकते हैं यही तो ईमान है और ईमान से ये वेपन चलता है उसके बाद जब भी आप मुसीबत आए अल्लाह जो है आपकी दुआ कबूल करते हैं तो इन टाइम्स को आप लिख लीजिए और अब आपको एवरीडे में भी पता लग गया मंथली भी पता लग गया एनुअली भी पता लग गया कि भाई किस तरह से हम इस पेपर यूज कर सकते हैं ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अभी तो हमने देखा कि प्रेजेंट में आपको एक प्रॉब्लम आई जैसे इब्राहिम नाम की तो उन्होंने किस तरह से जो है वो इस चीज को डील किया अब एक मोस्ट लाइक like, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की इंतहा वाली कंडीशन तो हज़रत जकरिया के मरियम केयर टेकर थे उनके खालू भी थे जो, हैकल में जो, मरियम जो है मरियम की वालदा थी केयर टेकर थे वो उन देखिए अंबिया की जो आगे नबूवत चलती है वो उनके औलाद से चलती है यानी आगे जिससे उनकी औलाद होती है तो फिर इस तरह से जो नबूवत है उसका सिलसिला जारी रहता है जकरिया

जो ताज़ा और बेमौसमी फल तो क्योंकि हज़रत मरियम जो थी वो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी तो हज़रत जकरिया उनको देखने गए और उनसे पूछा कि ये फल से आया है तो उन्होंने कहा ये अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से है एंड हज़रत जकरिया नबी थे अल्लाह के नबी थे एंड लाइक उनकी एज का लास्ट हिस्सा था ही वो सो ओल्ड और बस अल्लाह सुभान व तआला से वो औलाद चाहते थे लेकिन कभी मांगी नहीं इसी तरह हम लोग भी यही करते हैं हमें पता है कि हमारी चीज हमें मांगने से मिल जाएगी लेकिन हम पूरी जिंदगी इसी टाइम वेस्ट में गुजार देते हैं मांगते ही नहीं है अल्लाह को पसंद है हम उससे मांगे अल्लाह कहते हैं अगर आपके जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो लेकिन मांगेगा तो वो ना जिसको यकीन है जिसको ईमान है कि वो देगा तो हज़रत जकर जब वहां से गए तो ही वॉज सो अमेज ही वाज लाइक के यार जो अल्लाह अला बिना किसी सब के बिना किसी यानी किसी चीज के किसी सोर्स के एक कमरे के अंदर बंद कमरे के अंदर बेमौसम में फल पहुंचा सकते हैं तो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते अब देखने को तो ये इम्पॉसिबल चीज है ना हमारे लिए अब हम कहें कि अल्लाह पाक सूरज जो है मेरा दिल नहीं कर सुबह सूरज ना निकले और हम दुआ करें अल्लाह मेरा दिल नहीं कर सुबह सूरज ना निकले तो इसका मतलब ये थोड़ी सूरज नहीं निकलेगा लेकिन अगर आपने दुआ की है ना तो क्या पता अल्लाह तला आपके दिल की कैफियत को बदल दे आपको सूरज पसंद आना शुरू हो जाए ट्रस्ट मांगे जो मांगना है मांगे लाइक डोंट थिंक ये हो सकता है कि नहीं हो सकता तब तक आप इस वेपन को यूज करना नहीं सीख सकते जब तक आप ईमान को जो है ना हासिल नहीं कर लेंगे तो फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह तआला के पास गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा और यहाँ पे सुरबिया की ये आयत है और जकरिया को जब इसने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब आप मुझे अकेला ना छोड़ना और आप सब वारसों में से बेहतरीन हैं तब अल्लाह अल्ला ने उनको खुशखबरी दी यही सलाम की वो खुद ही दुआ मांग के खुद ही हैरान होगी कि है पाक

वैसे तो उसको सब कुछ पता है कुछ जगह पे उसने तकदीर तो लिखी जा चुकी है एवरी थिंग इज प्री रिटन लेकिन जब आप मांग लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होता है और दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती है इसका सवाब याद अब देखे जैसे मैं आपको सूरज वाली एग्जांपल दी अल्लाह ने आपको वो नहीं दिया जो इम्पॉसिबल चीज है अल्लाह ने आपके दिल की कैफियत बदल दी आपको सुकून दे दिया अब आपके दिल में वो ख्वाहिश दोबारा नहीं आएगी लेकिन क्योंकि अल्लाह को आपकी दुआ ये बात पसंद है कि आप अल्लाह से मांगे तो जो है अल्लाह तआला को आपके लिए आखिरत में जो है वो सेव कर लेंगे तो अगर किसी को पता लग ना दुआ मांगना कितना खूबसूरत इबादत है तो आप हर वक्त बस दुआएं ही मांगते रहे और आप लोगों को कहें कि मुझे बताओ मैं दुआ मांगता हूँ मुझे बताओ मैं दुआ मांगता हूँ दिस शुड बी कंडीशन ऑफ मोमिन उसके ईमान की ये कंडीशन होनी चाहिए ओके लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टोरी ऑफ हजर हजर अजर जो थे वो uh, इसी तरह से उनके ऊपर भी अल्लाह ने तबलीग का जो था वो काम uh, उनको सौंपा उनकी जो uh, कौम थी उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी उनकी बात और वो डिप्रेस हो गए और उन्होंने उस जगह को अल्लाह की मर्जी के बगैर छोड़ दिया और वो कश्ती में बैठे और वो जो थे वापस जाना कहीं और चले गए यानी वो सो यानी आपसे कोई काम आपने बड़ी मेहनत की बड़ी कोशिश की

बार बार जो था जो यूनिस्म का नाम आया तो फिर उनको जो है वो ही हैड टू डाइव इन द सी उनको पानी में छलांग मारनी पड़ी और फिर क्या वो उनको एक वेल ने निकल लिया तो uh, मैं हदीस कोट कर देती हूँ बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम टू कवर

कि अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूदे पर हक नहीं तू पाक है मैं ही जालिम समटाइम्स आपको समझ नहीं आ रहा था मैं मांगू तो मांगू क्या मतलब अब दिल भी नहीं कर रहा मेरा कि मुझे ये रिवॉर्ड वापस मिल जाए इतनी मैंने मेहनत की इतनी मेरी जो है वो इंसल्ट हो गया मुझे ये चाहिए ही नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज का एक गम आपके दिल में रहता है जो आपको हर्ट करता रहता तो है तो रसूल ने फरमाया कि जब कोई इंसान लाइनी कौन तो मैंने जालिमीन ये पढ़ के दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं की जाती है तो यहाँ से पता लगता है कि आप जो है किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को अपनी लाइफ को ओके okay, तो so, अभी तो हमने पास्ट की बात कर ली प्रेजेंट की बात कर ली लास्ट द प्रॉफिट हजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी के पास एक दुआ है जो अल्लाह ने उनको दी और वो दुआ जरूर पूरी होती है तो एक दुआ एक दुआ हजरत मोहम्मद को भी दी हुई है और हजर मोहम्मद वसल्लम ने दुआ को फ्यूचर के लिए रखा हुआ है और नबी के ये सही बुखारी की हदीस है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने कुछ चीजें मांगी इस तरह से नबी को एक दुआ दी गई जिस चीज की इसने दुआ मांगी फिर इसे कबूल किया गया लेकिन यू कैन कंट्रोल यूर फ्यूचर आपको फ्यूचर में जो कुछ भी चाहिए अभी मांग लें इसी रमजान में मांग लें बस दिल में ईमान रखे की मिलेगा बट यू नीड टू बी पेशेंट ईमान क्या है ट्रस्ट है कि मैंने मांग ली है Sooner or later, it is gonna be fulfilled, inshallah. So, this is the solution of your life, this is how you can control your life, as our prophets did, and as Allah subhanahu wa ta taught us that dua is the weapon of a believer. Jazakallah Khairan kaseera. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Over to you, team. rahmatullahi <laughs> wa barakatuh.